Audio Jungle. संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय द्वारा दसम दीक्षांत समारोह का दिनांक 1 मार्च 2021 को अपराह्न 3 बजे आयोजन किया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल करेंगी तथा पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह आयोजन संस्थान के कला मंडपम प्रेक्षागृह में संपन्न होगा, जिसमें संस्थान के स्नातक एवं परास्नातक के कुल 117 छात्र छात्राओं तथा पीएचडी के कुल 6 शोध छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। भातखंडे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक अग्रणी संस्था है, जिसकी स्थापना पूर्व में सन 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से हुई थी। इस संस्था का 95 वर्ष का स्वर्णिम इतिहास रहा है। कुल 13 छात्र और 7 शिक्षकों से प्रारंभ हुई इस संस्था ने अब डिम्ब विश्वविद्यालय का स्वरूप ले लिया है। आज संस्थान में लगभग 1800 विद्यार्थी प्रतिवर्ष संगीत शिक्षा, डिप्लोमा डिग्री एवं शोध कार्य संबंधी विषयों में प्राप्त कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में यह अपने तरह की अनूठी संस्था है, जिसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित करने के साथ संजोया और संवारा गया है। सन 2000 में विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त होने के पश्चात संस्था ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ की अनेक सिद्धस्थ विभूतियों में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पद्मश्री श्री कृष्ण नारायण रातंग जनकर, पद्मश्री बेगम अख्तर, पंडित मोहन राव शंकर कल्याण पुरकर, गुरु विक्रम सिंघे, श्री SS अवस्थी, उस्ताद उसूफ अली खान, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, पंडित सखाराम, उस्ताद इलियास खान, पंडित दिनकर कैकेनी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संस्थान के अल्मनाई में श्री अनूप जलोटा, पद्मश्री मालिनी अवस्थी, डॉक्टर पूर्णिमा पांडे, सुश्री दिलराज कौर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस वर्ष कोरोना आपदा के बावजूद लगभग 1400 विद्यार्थियों ने संस्थान में प्रवेश लिया है। भातखंडे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत और लगन से देश विदेश में अपनी कला का परचम लहराया है। योगी गुरुओं की कसौटी पर खरे उतरने के लिए यहाँ के छात्र बड़ी मेहनत करते हैं। प्रत्येक वर्ष संस्थान में गायन, वादन एवं नृत्य विधाओं के आंतरिक प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की जाती है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस वर्ष प्रतियोगिता में प्रत्येक विभाग में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों की कला का प्रदर्शन इस दीक्षांत समारोह में होगा। शास्त्रीय गायन वादन, जिसमें तबला और सितार, एवं नृत्य, जिसमें कथक भरतनाट्यम के विजेता छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियां निसंदेह आमंत्रित अतिथियों को